हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई एम तनुज अडकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ हेयर वॉश ट्रिक के बारे में। क्या वाकई में ये ट्रिक काम करती है? क्या वाकई में ये ट्रिक फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव कराने में हेल्प करती है इनफर्टिलिटी के केसेस में? क्या इस ट्रिक को फॉलो करना ज़रूरी है? क्या इस ट्रिक को मैंने भी फॉलो किया था? क्योंकि गाइज, काफ़ी फीमेल्स काफ़ी कन्फ्यूज रहती है इस ट्रिक को लेकर, क्योंकि इस ट्रिक में आपको इम्प्लांटेशन के बाद काफ़ी टाइम तक अपने हेयर को वॉश नहीं करना होता, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वर्किंग वुमेन के लिए या हाउस वाइफ के लिए। क्योंकि गाइस, अगर आप 2 दिन भी अपने हेयर को वॉश नहीं करते हैं तो उसमें खुजली होना शुरू हो जाती है, और इम्प्लांटेशन के बाद एटलीस्ट 10 डेज़ का टाइम तो होता है जब इस ट्रिक को आपको फॉलो करके अपने हेयर को वॉश नहीं करना होता। तो गाइस, 10 डेज़ मायने रखते हैं, और उसके बाद अगर कोई रिजल्ट ना मिले तो गाइस वही बात होती है। तो इस वीडियो में मैं अपने व्यूज़ आपको बता रही हूँ, और अपने प्रेगनेंसी टाइम पे ये बताऊँगी कि मैंने इस ट्रिक को फॉलो किया था, क्या इस ट्रिक के पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है, ये सब बातें आज इस वीडियो में मैं आपसे करने वाली हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस, जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। इनफर्टिलिटी के केसेस में फीमेल्स इतना ज़्यादा परेशान रहती हैं कि उन्हें लगता है कि कोई भी टिप या ट्रिक उनके केस में बेनिफिशियल हो जाए, उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करा दे, तो वो उनके पीछे का रीज़न जानने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं रहती है। बट गाइस, कोई भी टिप या ट्रिक आप फॉलो करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसका रीज़न ज़रूर जाने, तभी जाके आपको पता चल सकेगा कि ये टिप वाकई में आपके केस में बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। क्योंकि कोई टिप आप ऐसी फॉलो कर रहे हैं जो आपके केस में बेनिफिशियल नहीं है तो फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ टाइम ही जाएगा आपका और आपको प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो पाएगी। और गाइस, हर कोई टिप एंड ट्रिक हर किसी के केस में बेनिफिशियल नहीं हो सकती, इसीलिए उसके पीछे का कारण जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे केस में गाइस, मुझे PCOS एंड थायराइड का प्रॉब्लम है एंड मैंने हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो नहीं किया था, क्योंकि PCOS एंड थायराइड की कंडीशन में वैसे भी पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते। आप ओव्यूलेशन का नहीं बता सकते, आप इम्प्लांटेशन का नहीं बता सकते कब होगा, तो इस ट्रिक को आप इस केस में फॉलो नहीं कर सकते। कई फीमेल्स की PCOS की कंडीशन में रेगुलर पीरियड्स होती है, उन्हें पता रहता है कि उनका ओवुलेशन कब हो रहा है, इम्प्लांटेशन कब हो रहा है, फिर भी गाइज, इस ट्रिक के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है कि आप अपने हेयर वॉश को ना करें और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। ये मेरा मानना है कि ये मिथ है। आप लोगों का मानना हो सकता है शायद कि ये ट्रिक आपको प्रेगनेंसी कंसीव करा सकती है। तो गाइज, हर किसी के अपने व्यूज होते हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन है हर टिप और ट्रिक को लेकर। अगर आपको लगता है इस ट्रिक से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है तो आपको डेफिनेटली इस ट्रिक को यूज़ करना चाहिए। मेरे केस में मुझे नहीं लगता था कि ये ट्रिक मेरे केस में बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन थी और इसमें मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था अपने हेयर को वॉश ना करना। क्योंकि गाइस, अगर 10 दिन तक आप अपने हेयर को वॉश नहीं करते तो हेयर में खुजली होना शुरू हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है, अनइजीनेस सा लगने लगता है, अनकंफर्टेबल हो जाती है फीमेल। सो गाइस, अगर आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आपकी हेल्थ में क्या असर पड़ेगा वो मुझसे ज़्यादा आप बता सकते हैं। तो गाइस, मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि इस ट्रिक को आपको फॉलो नहीं करना। ये मेरा मानना है कि ये ट्रिक इनफर्टिलिटी के केसेस में काम नहीं करती है, इस ट्रिक को फॉलो करके प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। अगर आपका मानना है कि इस ट्रिक को फॉलो करके प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वाकई में आपको इस ट्रिक को फॉलो करना चाहिए। आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि आपकी बॉडी के लिए कौन से टिप या ट्रिक यूजफुल है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, आपको कोई भी टिप या ट्रिक को फॉलो करना चाहिए, तभी जाके आपको जल्दी रिजल्ट दिखाई देगा, तभी जाके आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। क्योंकि गाइज, हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की प्रॉब्लम डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बॉडी में हर कोई टिप या ट्रिक यूजफुल हो। तो गाइज, यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो को देखकर आप डिसीजन ले सकते हैं कि हेयर वॉश ट्रिक आपके केस में बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। करती हुई वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन बाय।